होने पावे, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो 2017 में जो लक्ष्य निर्धारित करके उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने का प्रयास शुरू हुआ, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश भी देख रहा है और उत्तर प्रदेश को देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, और आज उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है। निश्चित तौर से, अगर हम उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश हैं तो ग्रोथ इंजन इसलिए बनना जरूरी है कि अगर विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है, तो हम लोग भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी लोग देख रहे हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे खेल हो, चाहे रेल, मतलब हर क्षेत्र में इस समय जो क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिसका एहसास उत्तर प्रदेश की आम जनता को हुआ है, वह हमारी उपलब्धि है। इसीलिए हमारा प्रदेश पर्यटन का प्रदेश भी कह सकते हैं, तीर्थों का प्रदेश तो है ही। पहले तीर्थयात्री प्रतिदिन 10,000 आते थे, 20,000 आते थे, आज 2,00,000, 3,00,000 लोग आ रहे हैं। तो यह अगर हमारा इंफ्रा ना होता, हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, हमारे यहाँ माहौल अच्छा नहीं होता तो शायद नहीं आते लोग, लेकिन आज अगर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो विश्वास से भरे हुए हैं और इसलिए लोग आ रहे हैं और आकर के खुशी खुशी जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज विकास का एक नया मॉडल बनकर के खड़ा हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग सर आपके पास है, पहले विकास का मतलब ये माना जाता था कि वो डेवलपमेंट जो शहरों में किया जाए, विकास शहरों तक सीमित हुआ करता था, उसे गांव तक कैसे लेकर गया? देखिए, जो शहरों तक केवल विकास का मॉडल था वो कांग्रेस का मॉडल था, समाजवादी पार्टी का मॉडल हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी का मॉडल हो सकता है, लेकिन भाजपा का मॉडल तो गांव हो चाहे शहर हो, वह गरीब अगर है समाज के अंदर और उसकी कोई जरूरत है वह पूरी नहीं हो पाई है जो पूरी होनी चाहिए, तो गांव और शहर दोनों को जोड़ते हुए, जैसे गांव का विकास करना है तो सबसे पहला गांव में जो कोई गरीब आदमी रहता है, झोपड़ी में रह रहा है, तिरपाल डाल करके, पन्नी डाल करके अपना परिवार पाल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया कि हम जिनके पास रहने का घर नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। देश में तो 4.5 करोड़ से अधिक दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर गांव और शहर दोनों को मैं जोड़ूं तो 56 लाख से अधिक हम लोग आवास अब तक दे चुके हैं और यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 56 लाख आवास के साथ साथ उसमें कुछ अनुमन्य सुविधाएं हैं, जिसको आवास मिलेगा उसको शौचालय मिलेगा, जिसको आवास मिलेगा उसको सौभाग्य योजना का बिजली का कनेक्शन मिलेगा, उसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसे जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से जल की सुविधा मिलेगी, चिकित्सा की व्यवस्था के लिए उसे आयुष्मान कार्ड मिलेगा, राशन कार्ड अगर पहले से है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उनको राशन कार्ड मिलेगा जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो राशन वितरण किया जा रहा है वह राशन मिलेगा, और अपना ही घर बनाने के लिए अगर गांव में है तो उनको मनरेगा की जो 90 दिन की का पारिश्रमिक होता है उनके खाते में डीबीटी करके भेज दिया जाता है। ये सब था तो पहले भी, सारी योजनाएं भी हुआ करती थी, लेकिन जो कुछ दिल्ली से या लखनऊ से चलता था वो बिल्कुल वैसा ही जमीन तक पहुंच नहीं पाता था, ये कैसे सुनिश्चित किया आप लोगों ने कि वो जमीन तक बिल्कुल वैसे ही पहुंचे? देखिए, जब मैंने कहा सोच ईमानदार हो तो परिणाम ईमानदारी के साथ देश को दिखाई देता है। जब मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर बहुत सारे लोगों का जो बैंक अकाउंट नहीं था, तो जीरो बैलेंस पर उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलने का आह्वान किया और देश के बैंकों में भीड़ लग गई और 52 करोड़ बैंक खाते देश के अंदर खोलने का एक जो लक्ष्य था उसे प्राप्त किया गया और उत्तर प्रदेश 9 करोड़ बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के नंबर एक के स्थान पर है और आज उसी का परिणाम है कि 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजा गया और पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा। अगर कांग्रेस होती, सपा बसपा होती तो इनका लक्ष्य रहता था कि 100 रुपए में से 15 रुपए पहुंचे और 85 रुपया ये खा जाएं, लेकिन मोदी जी का लक्ष्य क्या है, 100 रुपया भेजा तो पूरा 100 रुपए पहुंचे। अगर उनके हिसाब से सब कुछ होता तो 34 लाख करोड़ में देशवासियों को मिलता 5 लाख करोड़ और कांग्रेस या इनके समर्थक दल और इनके नेता, इनके भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी मिलकर के खा जाते
29 लाख करोड़ रुपया वहां बचाने का काम अगर मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों के कारण से किया है। तो जब सोच ईमानदार तो समाप्त होता है भ्रष्टाचार। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या सर पलायन की हुआ करती थी। युवा रोजगार की तलाश में या नौकरी की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाया करते थे। आज ये सरकार का संकल्प है कि जो जहां है उसको वहीं पर रोजगार मिले, वहीं पर उसको नौकरी मिले, कैसे कर पाएगी? देखिए, आपदा को अवसर में बदलने का एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। कोरोना काल में बहुत सारे हमारे प्रदेश के कुशल श्रमिक भी दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए थे। जब वो वापस आए तो उनको सूचीबद्ध किया गया किनके अंदर क्या स्किल है, क्या कुशलता है उनके अंदर काम करने की, उसकी जानकारी एकत्र किया गया और वह जानकारी एकत्र करके आज उनका पलायन ना हो इसके लिए गांव में रोजगार, गांव के आसपास के कस्बों में रोजगार और बड़े पैमाने पर रोजगार। अगर आज 56 लाख आवास बने हैं तो स्वाभाविक तौर से उसको बनाने के लिए जो श्रम शक्ति लगी है, जो कारीगरी लगी है, जो शौचालय बने हैं 2.5 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी श्रम शक्ति लगी है, उसके लिए सामान, यानी लोगों को आवास भी मिला और जो कारोबार करने वाले हैं उनको कारोबार भी मिला और पाइपलाइन से अगर हर घर नल से जल पहुंच रहा है तो स्वाभाविक है जो प्लम्बरिंग का काम करते थे जाकर के दूसरे राज्यों में, आज उनको अपने गांव में काम मिल रहा है। और आगे अगर पाइपलाइन से घर घर जल पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि उनको आगे काम मिलता रहेगा। सौभाग्य योजना में हर घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया। अब बिजली के जो कारीगर थे, मिस्त्री थे, जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की थी, अब उनको शहर नहीं भागना पड़ रहा, किसी दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ रहा, वह अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में, अपने जिले के अंदर वह सारे काम कर पा रहे हैं जो वह जाकर के दूसरे प्रदेशों में करते थे। तो जो आपदा को अवसर में बदलने का एक आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में उसको धरातल पर उतारने का काम किए। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार और नौकरी के जो दावे हैं वो कागजों तक ही सीमित हैं। परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ पाता, ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जाते हैं। सूप बोले तो बोले, चलनिया क्या बोले, हमारे यहाँ गांव में कहावत है। श्री अखिलेश यादव जी को परीक्षा पर, भर्तियों पर, कानून व्यवस्था पर, प्रदेश के विकास पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने अपने शासन काल में जैसा हमारी सरकार में हो रहा है, डबल इंजन सरकार में हो रहा है, उनकी भी डबल इंजन सरकार थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार सपा के समर्थन से चलती थी, अगर वह चाहते तो उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से बहुत कुछ दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने 2012 से 2014 तक कुछ नहीं दिला पाए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी तो इन्होंने जो वहां से पैसा आ सकता था विकास का उस पर बैरियर लगा दिया और उत्तर प्रदेश का विकास ठप पड़ गया। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते जो सवाल उठा रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं होती। 2014 का लोकसभा चुनाव जीते, 2019 का बड़ा गठबंधन होने के बाद भी चुनाव जीते और 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं। तो यह श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी, उनके गठबंधन की नाकामी है। वह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है, इसलिए फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश 80 की 80 लोकसभा अपने गठबंधन के साथ जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देने जा रहा है। आज राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पेपर लीक का जिक्र किया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे जिक्र करते रहते हैं, वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है, लेकिन उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आड़ में भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और लेकिन मैं उनके बारे में यही कहता हूं कि राहुल गांधी जी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का पूरी तरह से अंत होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए जहां जहां पांव पड़े श्री राहुल गांधी के वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार। उत्तर प्रदेश को वह सीख ना दें। उत्तर प्रदेश में जनता की अदालत में इस समय मुकदमा लगभग पहुंच चुका है। चुनाव आयोग जब भी तारीख का ऐलान करेगा तब चुनाव के मैदान में सपा भी होगी, कांग्रेस भी होगी, चूंकि उनका दोनों का गठबंधन हुआ है। और जब इसका रिजल्ट आएगा, जब देखेंगे कि न सपा का खाता खुला है और न कांग्रेस का खाता खुला है, तो वह जब सवाल उठाने वाले स्वयं सवाल के घेरे में आ जाएंगे।
अगर कहीं पर भी पर्चा लीक की कोई शिकायत आई है तो सरकार ने त्वरित जांच करा करके जांच के निष्कर्ष के आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने का भी साहसिक फैसला लेने का काम किया है, और जिनके ऊपर खिलाफ शिकायत है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू करने का काम किया गया है। न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत उनको कठोर से कठोर दंड दिलाने का काम किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ यह जो नकल माफिया हैं, जो पेपर लीक माफिया हैं, इन माफियाओं का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से अंत हो जाए, सफाया हो जाए, और इस प्रकार का कार्य करने की कोई सोचने का साहस भी न कर सके। यूपी में विकास की कुछ और योजनाओं पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉलिटिकल सवाल। बिहार की धरती से पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा हुआ और बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया गया, उस जवाब में आप भी शामिल हैं। अब पूरा देश जो है वो मोदी का परिवार बन चुका है, एक बार फिर से 2014 वाली कहानी दोहराई जा रही है। देखिए, ये विपक्ष के पास चूंकि मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास नेता नहीं है, और विपक्ष अनाप शनाप जो बयान दे रहा है वो बौखलाहट में दे रहा है। क्योंकि भाजपा की और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाने को लेकर के जो आंधी चल रही है जी, वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, मैं देश के सभी राज्यों में इस समय भाजपा की आंधी चल रही है। उस आंधी से ऐसा नहीं कि देश की राजनीति जो करता है, प्रदेश की राजनीति करता है, उससे परिचित नहीं है। उनको मालूम है कि इस बार भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलने वाला है, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बौखलाहट में ऐसा बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देश की जनता से उसका जवाब मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है पूरा भारत वर्ष, यानी मैं भारतवासी और भारतवासी, भारत के जितने वासी हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो जब भी संबोधन करते हैं वो यही संबोधन में कहते हैं, मेरे परिवारजनों, अगर मोदी परिवार का हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य है तो मोदी परिवार का हिस्सा देश के 140 करोड़ लोग हैं, प्रदेश के 25 करोड़ लोग हैं। इस बात को अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था तो वो समझाना जरूरी था कि देश में मोदी जी की एक आवाज पर 1 करोड़ से अधिक लोगों ने गैस के, जिनके पास घरेलू कनेक्शन थे, कि अगर उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आप सामर्थ्यवान हो और बिना सब्सिडी के सिलेंडर से अपने घर का भोजन बना सकते हो तो मेरे गरीबों के लिए उन कनेक्शन को आप सरेंडर कर दो। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री जी की एक अपील पर, वह गैस के सब्सिडी लेते थे उसको सरेंडर कर देने का काम किया, और जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी की अपील पर यह फैसला लिया मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने गरीबों के हित में इतना शानदार फैसला लिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का इतना असर होता है, और प्रधानमंत्री जी को अगर टारगेट करेंगे, अगर परिवारवाद की राजनीति कोई करता है, ये एनडीए गठबंधन में जितने भी हैं वह भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, परिवारवाद के दलदल में डूबे हुए हैं। किसी को अपने बेटे को सीएम बनाना है, किसी को अपने बेटी को सीएम बनाना है, किसी को अपने भतीजे को सीएम बनाना है, किसी को श्रीमती सोनिया गांधी जी को अपने बेटे को पीएम बनाना है। लेकिन अब परिवारवाद की राजनीति के अंत का एकदम निर्णायक समय आ गया है, इसलिए इस प्रकार की जो बात करने वाले हैं उनको जवाब जो परिवारवाद की राजनीति के अंत के समय के साथ हैं, वह सारे लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं, कमल के फूल का साथ दे रहे हैं, भाजपा गठबंधन का साथ दे रहे हैं। हम उनका सबका स्वागत करते हैं और इसका जवाब जरूर उन्हें मिलेगा। परिवार के साथ साथ मोदी जी की जाति को लेकर भी सवाल खड़ा हो गया। टीएमसी के विधायक है रामेंदु सिन्हा रॉय, उन्होंने कहा कि मोदी जी ब्राह्मण तो है नहीं, जनेऊ भी नहीं पहनते, तो फिर अयोध्या में उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कह दी, वो तो मंदिर को भी अपवित्र कह रहे हैं। देखिए, वह सब लोगों के बयान पर मैं बयान दूं, मैं मानता हूं कि उनकी यह हैसियत ही नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें। उनको 11 दिन का महाअनुष्ठान, महाउपवास करने वाले उस ऐसे कर्मयोगी जो राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं और 11 दिन का उपवास भी कर रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गया, और उसमें जो इस प्रकार की बहुत घटिया टिप्पणी करने का काम करते हैं, उनकी घटिया टिप्पणी का जवाब देना भी मैं समझता हूं कि कहीं से उचित नहीं लगता है। उनको सबको जवाब, जिस भी दल के कोई विधायक, सांसद या उनके नेता होंगे,
उनको लोकसभा के चुनाव में उनके क्षेत्र की जनता ही इस बात का उन्हें जवाब दे देगी कि मोदी जी को गाली देने का मतलब है कि कमल का फूल खिला करके जवाब देंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई सर, 195 नाम है, 51 उसमें से उत्तर प्रदेश के हैं। आपको लग रहा है कि वो 51 नाम है या फिर आने वाले दिनों में और भी नामों का ऐलान हो जाएगा, ये सभी मिशन 80 को फतेह कर लेंगे? हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव बीता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई थी, और इसीलिए हम दावे से कहते हैं कि हम 80 में से 80 जीतेंगे। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट लड़ रहे थे, सभी 8 जीत करके सांसद बन गए। मैंने उस समय कहा था 8 जीते हैं, उसमें एक जीरो लगाना बाकी है, 80 हो जाएगा। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इसका इनका उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। पिछली बार अमेठी हम जीते थे, इस बार रायबरेली जीतेंगे, 80 की 80 जीतेंगे। सपा बसपा कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि किनको लड़ावें, उनके पास प्रत्याशियों का भी अभाव है, अकाल है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक होड़ लगी हुई है टिकट मांगने वालों की, टिकट पाने वालों की। और जो राजनीति करता है वह जनता के बीच में क्या चल रहा है इस नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से वो जैसे कहिए कि समझ जाता है, और विपक्ष वाले भी समझ गए हैं। मुझे कई सपा बसपा कांग्रेस के जो मेरे परिचित हैं, मित्र हैं, वो बताते रहते हैं कि इस बार तो भाजपा की इतनी तेज आंधी है कि हम अपना वोट तो कसम खाने के लिए अपनी पार्टी के कोई प्रत्याशी आएंगे, गठबंधन के प्रत्याशी आएंगे, उनको दे सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के सदस्यों का वोट मोदी जी के खिलाफ नहीं दिला पाएंगे। यह विपक्ष अपने आप स्वीकार करता है। लेकिन अखिलेश जी, पवन सिंह का और बाराबंकी वाले सांसद के नाम का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो लोग टिकट लौटा रहे हैं, कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मैंने कहा, श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में है। जो कहीं पर भी कोई विषय आता है और उस विषय में अगर किसी ने ऐसा कुछ कहा है कि कोई ऐसे आरोप आए या ऐसे कोई वीडियो आए और उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है तो पार्टी नेतृत्व को बता चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी के प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो भाजपा पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा केवल यूपी की पार्टी नहीं है, और सीकरी अखिलेश यादव जी एक परिवार की पार्टी है, या कह लीजिए पति पत्नी की पार्टी है, उनके चाचा और भाई भी उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनको भी धीरे से लंगी लगा देते हैं अखिलेश यादव जी। और देखा है आपने, जब आजमगढ़ का चुनाव हो रहा था, आजमगढ़ के चुनाव में उनके चचेरे भाई ही धर्मेंद्र यादव जी लड़ रहे थे, वहां प्रचार करने नहीं गए, लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी जब लड़ रही थी मैनपुरी से तो मैनपुरी छोड़ के ही नहीं जा रहे थे। तो उनके परिवार में कलह है, उनकी पार्टी में कलह है, उनके विधायक दल में कलह है, इसलिए भगदड़ मची हुई है और वह टिप्पणी भाजपा पे करते हैं। जिस प्रयागराज की भूमि से आप हैं वहीं से मैं भी हूं, वहां एक चर्चा ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जी भी तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। भाजपा में किसी को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती, भाजपा का कोई कार्यकर्ता होता है, पार्टी नेतृत्व कोई काम बताता है तो वो करते हैं। यद्यपि मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं 80 के 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को लड़ाऊंगा, जिताऊंगा, सपा बसपा कांग्रेस को हरवाऊंगा। यूपी के लड़के एक बार फिर से साथ में आ गए हैं 2017 की तरह। लड़के नहीं है, अब वो बूढ़े हो चले हैं, उनको लड़के मत कहा करिए। वो दोनों 2017 में एक साथ आए थे और उस समय मैं अखिलेश यादव जी के जो अहंकारी भाषा रहती है उसकी याद दिलाता हूं न्यूज 18 के मंच के माध्यम से। 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा हम 60 से अधिक सांसद की सीटें जीतेंगे और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 5 पर सिमट करके रह गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में, आप सब पत्रकार हो, आप सबको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा था सपा फिर एक बार 300 पार करेगी, 300 पार करते करते 47 पे सिमट के रह गई, कांग्रेस से गठबंधन किया था, तब के हालात ये हैं। 2019 में उनको स्वयं मुंगेरी लाल का हसीन सपना आने लगा कि अब बुआ भतीजे एक हो गए हैं तो अब तो भाजपा को हरा देंगे, और वह प्रधानमंत्री पद की शपथ, रात में सोते समय सपना आया कि वो शपथ ले रहे हैं। लेकिन जब 2019 का रिजल्ट आया गठबंधन के बाद तो 5 से 4 पे सिमट करके रह गए। अभी जब विधानसभा का 2022 का चुनाव था तो उन्होंने दावा आप लोगों के सामने किया था कि 400 सीटें जीत रहे हैं, 400 सीटें जीतते जीतते किसी तरीके से 100 सीटें जीत पाए और बहुत गुमराह किया लोगों को कि हम सरकार में आ रहे हैं।
गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के लोगों की तो चुनाव के दौरान शुरू हो गई। और क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ी और उनके चचा मोहम्मद आजम खान ने रामपुर की सीट छोड़ी और दोनों लोकसभा के उपचुनाव हुए, वहां भाजपा का कमल खिल गया। अब 2024 में बड़ी बड़ी हांक रहे हैं, अगर कहते कि हम 3 सीटें जीत लेंगे, 4 सीटें जीत लेंगे तो शायद उनकी बात को कोई प्रदेश में गंभीरता से लेता, लेकिन उन्होंने अपनी गंभीरता स्वयं खत्म कर लिया है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाए। वो सत्ता वियोग में बिलबिलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि फिर से देश में भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आ रही है और वह सरकार को आने से रोक नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार के उलझुल बयान वो देते रहते हैं। उनके बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। वो कह रहे हम क्या करें, हम राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ते हैं, आप तोड़ के उनको ले जाते हैं, आरएलडी को भी ले गए, ओपी राजभर भी आज आपके साथ है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, मंत्री बना रहे हैं। देखिए, जोड़ने वाले को यह देखने की जरूरत है कि जो उसके साथ जुड़ा वो उसको छोड़ करके क्यों गया, उससे टूट करके क्यों गया। तो सबको मालूम है, न श्री अखिलेश यादव जी का राजनीतिक कोई भविष्य बचा है, न समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। समाजवादी पार्टी को मैं कई बार कह चुका हूं, यह समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का जहाज ही डूब चुका है, उसमें छेद नहीं है, डूबने की जरूरत नहीं, डूब गया है। जो बच के निकल जा रहा है वो भाजपा के साथ आ रहा है, और जो फंसा था अब आज तो उनके साथ कोई गठबंधन में है ही नहीं, आज वो अकेले फंस रह गए हैं। और जो अकेले रहने के बाद सपा के भी जो विधायक हैं वह भी सपा छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। हमें किसी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनके आचरण से उनकी पार्टी के भविष्य को देख करके लोग उनको छोड़ करके भाग रहे हैं, भाजपा किसी को तोड़ती नहीं। अभी तक सब कुछ बहुत सीक्रेट है सर, लेकिन थोड़ी देर पहले ये चर्चा आई है कि कुछ लोगों को फोन जाने शुरू हो गए हैं कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, सब कुछ बहुत सीक्रेट है। इसमें सीक्रेट कुछ नहीं रहता, अभी 5 बजे मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, राजभवन में शपथ होने जा रही है, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनको एडवांस में बधाई है, और आप अभी कुछ देर के बाद जब शपथ ले लेंगे तो आप दिखाने भी लगोगे, चलाने भी लगोगे, बताने भी लगोगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से आपकी खबर इतनी गंभीर रहती है कि बहुतों की धड़कन आप लोग बढ़ाते रहते हो। नहीं, चर्चा ये है कि 3 बीजेपी के खेमे से, मैंने यही कहा ना, ये चर्चा ये जो है, जो चर्चा होती वो पर्चा सही में नहीं होता है। भाजपा में जो चर्चा में होगा वो होगा नहीं, जो होगा वो चर्चा में नहीं होगा। ओपी राजभर कई बार पहले कह चुके थे कि अब दिल्ली जा रहा हूं, इस बार बन जाऊंगा, अभी तो कंफर्म है ना सर? देखिए, ये अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है, मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद का सदस्य किसे बनाना चाहते हैं ये सूची उन्हीं को देना है, शपथ महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा दिलाई जानी है। तो यह मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि आज शपथ होगी, किनकी होगी जानता हूं तो भी बता नहीं सकता। एनडीए में जो बाकी दल है अभी उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों में, उनको कितनी सीटें देनी है, ये फाइनल हो गया? तो क्लियर पहले ही हो गया था, 6 सीट हम अपने गठबंधन साथियों को दो, हम लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया था, उनके पोते श्री जयंत चौधरी जी अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा हुए, 2 सीटें उनको दी गई थी, एक बागपत की और एक बिजनौर की, दोनों सीट का उन्होंने कल कैंडिडेट अपना घोषित किया है। हम उनको, जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं उनको बधाई देते हैं, और जयंत चौधरी जी भाजपा गठबंधन का हिस्सा बने हैं उनका भी स्वागत करते हैं। और दूसरा हमारा जो पुराना सबसे सहयोगी दल है वो अपना दल है, अपना दल को 2 सीटें हम लोग देते हैं, 2 सीटें जो पहले थी शायद वही सीट रहने वाली है, अभी कोई परिवर्तन की स्थिति नहीं है। एक हमारे निषाद पार्टी के साथी जो है, एक सीट उनको दी गई है और संत कबीर नगर की, और एक सीट घोषी है वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, जो भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के नाम से चलाते हैं, उनकी पार्टी को दी गई है। तो ऐसे 6 सीटें गठबंधन साथियों को दिए हैं, बाकी 74 पे भाजपा लड़ेगी और हम 80 के 80 लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो भी हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए 80 के 80 सीटें जिताएंगे, कमल खिलाएंगे, गठबंधन के जो प्रत्याशी अपने निशान पे लड़ेंगे उनके निशान पे जिताएंगे, और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे। अभी आप मेरठ में थे, वहां आप व्यापार संघ के लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने कहा कि देखिए 370 तो हमने इसलिए तय किया है कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए, इसलिए हमने तय किया है, लक्ष्य तो हमारा और बड़ा है, तो ये लक्ष्य कितना बड़ा है? देखिए, देश चाहता था कि जम्मू कश्मीर, जहां अनुच्छेद 370 के कारण
अगर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती थी तो उसे संगीनों के साए में लाल चौक पर जाना पड़ता। अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प हमारे जो संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे उन्होंने लिया था, और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे या नारा दिया था। भाजपा बहुमत में आई, हमारा वैचारिक मुद्दा था। अनुच्छेद 370 को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है, और एक देशभक्त जो है वो चाहता है 370 समाप्ति क्यों, 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर जीते। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है, हर बूथ पर 370 प्लस वोट हमारे और बढ़े, जितना पहले मिला था उसमें 370 प्लस हो जाए। अगर वो अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिली और विरासत पर गर्व करने का गौरव मिला, और राम मंदिर तो राष्ट्र मंदिर है, वह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में अगर आज बनकर के तैयार हो गया है तो 500 साल बाद तैयार हुआ है। बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहां 370 प्लस नहीं 500 प्लस भी लोग वोट बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यह जो देशभक्त है, जो राम भक्त है, जो प्रदेश का विकास चाहता है, देश का विकास चाहता है, विकसित भारत चाहता है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के और गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में करना चाहता है। एक लक्ष्य दिया गया, तो भाजपा का लक्ष्य 370 प्लस का है कमल के फूल पर, और 400 प्लस का है भाजपा गठबंधन के जो हमारे साथी दल हैं उनके भी सदस्य मिला करके, और प्रचंड बहुमत की सरकार। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है, और वह भरोसे के कारण अगर प्रधानमंत्री जी 370 प्लस सांसद मांगे हैं कमल के फूल के, तो उनका लक्ष्य कोई 5 साल का नहीं है, देश को 100 साल आगे बढ़ाने का है, और 1000 साल के बाद भी भव्य भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित रहे, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, इसकी नींव डालने का है ये 5 साल का चुनाव। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 प्लस कमल के फूल और 400 प्लस भाजपा गठबंधन के साथियों के साथ जीतने का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य हम अर्जित करेंगे। हमें भरोसा है, हमें ही नहीं भरोसा है, कांग्रेसियों को भी भरोसा है, सपाइयों को भी भरोसा है, बसपाइयों को भी भरोसा है, रजत वालों को भी भरोसा है, टीएमसी को भी भरोसा है, सारे विरोधी दल है वह भी ये मान रहे हैं कि भाजपा जो लक्ष्य रखा है उसको अर्जित करती है। 2014 में 272 प्लस का लक्ष्य रखा, 283 जीते उस देश में, 2019 में 300 प्लस का लक्ष्य रखा, 303 जीते, और 2024 में 370 प्लस कमल और 400 प्लस भाजपा गठबंधन का जो लक्ष्य है इसे भी प्राप्त करेंगे। ये विरोधी भी जानते हैं, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रनीति करते हैं, हम समाज का शोषण नहीं करते, हम समाज की सेवा करते हैं, हम गरीबों के नाम पर योजना बना करके भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाते हैं, गरीब कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। देश की आधी आबादी को अगर 33% का आरक्षण संसद के नए भवन में, जो पहला कानून बना नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, इसे सभी समाज के सभी वर्ग, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, सब भाजपा के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए खड़े हैं। जी धन्यवाद। ये आपका संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, लेकिन इसी बीच एक चर्चा ये भी है कि जो बड़बोले नेता हुआ करते थे बीजेपी में, इस बार जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, कहा जा रहा है कि उनका नाम इसीलिए कटा क्योंकि वो पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया करते थे, या पीएम मोदी की जो नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उससे हटकर बयानबाजी करते थे। साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया जा रहा है, रमेश भिदुड़ी का नाम लिया जा रहा है। मुझे लगता है इस रूप में इसे नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। पार्टी की योजना कभी किसी के लिए कुछ होती, किसी के लिए कुछ होती है। हो सकता है कि पार्टी नेतृत्व ने उन नेताओं के बारे में जिनका लोकसभा में टिकट पिछली बार था, सांसद थे, इस बार नहीं है, तो आगे उनके लिए कोई योजना बनी हो, लेकिन वह योजना न मैं जानता हूं न आप जानते हैं, और मैं कुछ अगर जानता भी रहूंगा तो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं है कि टिकट मिलेगा तो भाजपा का बहुत अच्छा कार्यकर्ता, टिकट नहीं मिलेगा तो भाजपा का खराब कार्यकर्ता है, ये व्याख्या नहीं की जा सकती। हर कार्यकर्ता भाजपा का कार्यकर्ता है, हमारा बूथ अध्यक्ष हो, हमारा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, हमारा मंडल का हो, जिले का हो, हर कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक साधारण कार्यकर्ता आज कोई बूथ में जाकर के बस्ता लगाता होगा, कल वह विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का मंत्री बन सकता है,
जब चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो भाजपा में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं असंख्य 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी। ये बात तो खैर कही जा रही है। शिवराज जी का भी जिक्र करते हुए लोग कह रहे हैं कि लोगों को लगता था कि उनकी सियासत का खात्मा हो गया, लेकिन आप देखिए एक बार फिर से उनका नाम लिस्ट में है और वो दिल्ली में बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं, चर्चा चल रही है। बीएसपी की थोड़ी बात कर लेते हैं सर। उनके सांसद हैं रितेश पांडे, वो बीजेपी में आते हैं और आप उनको अम्बेडकर नगर से चुनावी मैदान में उतार देते हैं। एक तो वैसे ही वो पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, न चुनाव में न चुनावी तैयारियों में, और जो बचे खुचे उनके सांसद हैं या जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको आप अपने खेमे में ला रहे हैं। नहीं, अगर कोई भाजपा में आना चाहता है और हमें लगता है कि हमें भाजपा में लेने में कोई समस्या नहीं है तो हम कोई भाजपा चलाते हैं, हम कोई सपा बसपा कांग्रेस पार्टी नहीं चलाते हैं। सपा बसपा कांग्रेस चलाना उन पार्टी के नेताओं का काम है। भाजपा को बड़ा करना, भाजपा को सशक्त करना, भाजपा में लोगों को जोड़ना, ये भाजपा के नाते हम लोगों का काम है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और दूसरे दलों में क्या हो रहा है उस दूसरे दल को बचाने का काम हमारा काम नहीं है। अपने दल की के विकास के लिए, अपने दल के संगठन के लिए, अपने दल के सांसद विधायक के लिए काम करना उन दलों का काम है। कोई हमारे यहाँ आया उनका स्वागत है। अक्सर सदन के भीतर और सदन के बाहर भी शिवपाल यादव जी को लेकर आप लोगों का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। आप ये कहते हैं कि चाचा को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी वो चुनाव में पूरी तरीके से अखिलेश जी के साथ खड़े हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूं। देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। अगर हमारी ओर से कुछ कहा जाता है कि कोई पिता का सम्मान ना करे, कोई चाचा का सम्मान ना करे, कोई माँ का सम्मान ना करे, कोई अपने पवित्र रिश्तों का सम्मान ना करे, तो उस पर बोलना इसलिए है कि हम तो राम के समर्थक हैं और भगवान राम का पूरा जीवन क्या है, वो एक आदर्श जीवन है कि पिता के मुख से सुने बगैर इच्छा जान गए और वन को चल दिए। और श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास क्या है, उन्होंने पिता से अध्यक्ष की कुर्सी छीन लिया। तो वो चाचा भतीजे की जो जंग है, मैंने कहा ये परिवार अंतर कलह में है, उनकी पार्टी अंतर कलह में है, इसलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अलग राह चुन ली है, नई पार्टी अपनी बना ली है, क्या फर्क कोई चुनौती है? आप भी बना लीजिए एक पार्टी, हम लोग आपको भी हरा देंगे। नहीं, हम जहां यहाँ ठीक है सर, हम जहां यहाँ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राम पर अपशब्द कहे, रामचरितमानस पर अपशब्द कहे, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को जितना डेंट पहुंचाना था वो पहुंचा चुके हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी को भी अपने विचार जो हो उसे प्रकट करने से मैं रोकने का पक्ष धर रही हूं, लेकिन किसी दूसरे की आस्था के विरुद्ध कोई भाषा का प्रयोग करना ये कतई सही नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं भगवान राम को राम भगवान मानता हूं, बहुत सारे लोग उनको अपने पूर्वज मानते होंगे, भगवान नहीं मानते होंगे, लेकिन जिसकी जिस रूप में आस्था है उसकी आस्था का आदर करना चाहिए, उसके आस्था का अनादर करना ये गलत है, इसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक सपा की बात आप बार बार कर रहे हैं, सपा का खेल खत्म हो चुका है। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। मैं अयोध्या में भी था, अबू धाबी में भी था जब वहां पर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ। कह सकते हैं सर कि सनातन संस्कृत का ये पुनर्जागरण काल चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में? निश्चित तौर से आप इस बात पर देश को गर्व है कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में बागडोर नहीं होती तो रामलला का भव्य मंदिर हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग लगाते थे नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, विरोधी हमारा उपहास करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन 22 जनवरी 2024 जब तारीख आई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, कांग्रेस को मिला, सपा को मिला, इन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है। लोकसभा के चुनाव में राम भक्त इन सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ठुकरा देंगे, आप इसका इंतजार करिए। थैंक यू सर, थैंक यू बेबाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरा अनुरोध है आपसे कि कुछ वक्त और हमें दीजिए, मंच पर आप मौजूद रहिए, क्योंकि आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपका धन्यवाद हम करना चाहते हैं। और इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे मनमोहन सर को, मनमोहन राय।